सरकार का सपना है कि हर गरीब के सर पर छत हो, लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे लोग सरकार के सपनों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के महोबा की, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पात्रों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, और इसी वजह से मकान की छत पर प्लास्टिक डालकर हाड़ कपाऊ ठंड में जीने को मजबूर है। कहाँ ना पारो नेच पराई घर जो बजरा बूंद होते, रात को बरस जाओ कोर गिर जाता, रात को मर ना जाओ। फार्म तो भैया कुल दाइया भर भर ले गए, कुल दाइया भर भर ले गए, न मकान न सरकार मर पैसा मिला, सरकार मरई के न कचु मिला। तुम तो दूरी करता हूँ और मुझे समस्या है कि एक छत नहीं है मेरे पास रहने के लिए, बच्चों का गुजारा नहीं, जो मजदूरी मिलती है 200 रुपए उसी में पेट पालता हूँ और परिवार चलाता हूँ। सर 3-4 बार कुछ नहीं सुनता है, कोई 20,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। साहब मैं गरीब आदमी, रहने के लिए मेरा झोपड़ा है और मैं जमीन में साहब वहाँ लेटता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की थी साहब, अगस्त में की थी और ये पहले कर चुका था मैं साहब। कार्य आता तुम्हारा ना होगा तो पैसे नहीं है, कुछ ना होगा। डूडा के जो हमारे APO हैं और साथ में राज्य विभाग के अधिकारियों को हमने लगा दिया है, इनकी एक रुद्रा कंपनी भी है तो उसके भी लोग लगे हैं। तो ये जिसका कच्चा मकान है उनको सभी पात्रता के सेमड़ आते हैं, उसके नाम से उसके साथ तैयारी करवा रहे हैं। जहाँ पर ये कोई पात्र छूट गया है तो उसका नाम सम्मिलित हो जाए, और साथ में हम एक टीम बना करके घर घर जाकर दिखवाए रहते हैं, वहाँ देखने का कच्चा मकान है इसको जियोटैग कर लें, तो हम जल्दी से जल्दी इसका जो है कोई पात्र छूटने न पाए सभी को हम लाभ कराएंगे।